हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ट्विंकल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही होगा कि छात्र जो है काफ़ी दिनों से, बल्कि महीनों हो रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो है धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और वो अपनी रोज़ मांगों पर अड़े रहते हैं कि उनकी जो है न्याय मिलना चाहिए, उनकी मांग पूरी होनी चाहिए और उनको जो है भर्ती की प्रक्रिया जो है जल्द ही जल्द होना चाहिए, जल्दी से नई नई वैकेंसीज निकाली जाए ताकि जितने भी छात्र अनएम्प्लॉयड हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आज कहीं ना कहीं 2 से 3 खुशखबरी देखने को मिलेगी आप लोगों को। ये मैं अपने वीडियो को मैं बताऊंगी, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह की अपडेट्स मिलती रहें। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि अपना मनोबल मत गिराइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं कि उनके मार्क्स उन तक नहीं हैं जितने उनको सिलेक्शन हो पाए। तो अगर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो मैं आपको अपडेट जैसे कि देती आई हूँ, आप लोगों को अपडेट मिलती रहेगी नई नई वैकेंसीज़ की। आप लोग उसमें अप्लाई करिएगा और कहीं ना कहीं आप लोगों का ज़रूर होगा। बस करना क्या है, तैयारी करते रहिए अपने। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को जो है TGT PGT का रिज़ल्ट जो है जल्दी देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले PGT का रिज़ल्ट आएगा जो कि इसी महीने आपको देखने को मिलेगा, और TGT का रिज़ल्ट जो बाद में आएगा वो आप लोगों को अक्टूबर में पहले सप्ताह के बीच में देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि जल्दी से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 31 अक्टूबर से। जैसे कि आपको पता है अगला महीना अक्टूबर ही है और 31 अक्टूबर से जो है नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जैसे ही रिज़ल्ट आएगा वैसे ही उसके 10 दिन के अंदर अंदर जिनका भी PGT में इंटरव्यू होगा उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। और जैसा कि आप लोग ये देख ही रहे हैं कि न्यूज़पेपर में ये चीज़ निकली थी कि 2016 TGT प्रशिक्षक स्नातक शिक्षक सामाजिक विज्ञान जीव कला की चयनित पैनल आवंटन 3 सितंबर, क्योंकि आवंटन के लिए छात्र बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो अब उनका आवंटन भी अब दूर नहीं है, जल्दी उनका आवंटन भी होगा, जल्दी आप लोगों को नौकरी मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग निराश मत होइए, परेशान मत होइए, क्योंकि छात्र परेशान हैं कि उनका नहीं होगा। नहीं होगा तो बहुत सारी वैकेंसीज निकल रही है। और मेरा ये कहना है कि यदि आप लोगों के इतने से इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी कि जो कट ऑफ बताई जा रही है उनके हिसाब से अगर सही, तो आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा। और अब वैकेंसीज़ जो कि बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता दूं कि जिनको लग रहा है कि सिलेक्शन हो जाएगा वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स मैं बता रही हूँ तैयार रखिए, वरना आइन टाइम पे आप लोग जो है बहुत परेशान होने वाले हो। इसलिए मैं अभी कह रही हूँ, अभी से डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई चेंज कराना है या कोई दिक्कत है। और हाँ, OMR शीट वाला जो सिस्टम आप लोग पूछे, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जिनकी OMR शीट में रोल नंबर या बुकलेट सीरीज़ नंबर नहीं पड़ा है सही से, या जिनके में जो है वो जो सीरीज़ होती है, बुकलेट सीरीज़ होती है ABC जो करके होती है, वो नहीं सही पड़ा है, तो उन्हीं के में रिज़ल्ट आने में दिक्कत होगी या उनका रिज़ल्ट नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोगों के साथ ऐसा हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यदि बबलिंग गलत करी है लेकिन वो रोल नंबर के अलावा किसी चीज़ में कर दी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रोल नंबर या सीरीज़ या बुकलेट नंबर में अगर करा है तो प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, और रही बात फ़ोटो बैकग्राउंड कलर वाला, तो ऐसा कुछ नहीं, अगर आपके फ़ोटो में कोई भी बैकग्राउंड कलर है तो उससे कोई मतलब नहीं, इससे आपका रिज़ल्ट नहीं रुकेगा, आप लोगों का रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।